ठीक 3 दिन के बाद तेलंगाना में मतदान होना है। मतदाता नेताओं की किस्मत तय करने वाले हैं। उसी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडिया गठबंधन बुरी तरह से मात खाने वाला है। ये चुनावी वायदे पीएम मोदी ने तेलंगाना में किए तो वार पलटवार शुरू हो गया। सियासी बयानबाजी में अब राहुल गांधी कूदे वैसी भी हैं और केसीआर भी सामने आ गए हैं। तीनों के बीच अपनी अपनी तरह की जुबानी जंग यहां पर छिड़ गई है। एक दूसरे का यार बताने की ऐसा लग रहा है तेलंगाना में होड़ सी मची हुई है। ये साल चुनावी है, अगला साल भी महासंग्राम वाला है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा का दंगल जारी है, परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले। इसके साथ साथ लड़ाई अगले साल लोकसभा चुनावों की भी लड़ी जा रही है। राज्यों की राजनीति के बहाने दिल्ली वाले दंगल की कमान तन चुकी है। तेलंगाना के सियासी समर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन 3 राज्यों में बेदम दिख रही है। पीएम ने कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, साथ ही भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस नाकाम होगी। मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी। साफ वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। इंडिया गठबंधन पर पीएम का ये हमला 2024 की लड़ाई का ट्रेलर है। आज भी पीएम मोदी ने सियासी विरोधियों को बता दिया कि भ्रष्टाचार करने वाले बच नहीं पाएंगे। हमला तेलंगाना से था, लेकिन भ्रष्टाचार पर हमले से संकेत विरोधियों पर। इससे पहले उन्होंने तिरुमला मंदिर में दर्शन भी किया। यहाँ केसीआर ने जो जो स्कैम किए हैं, बीजेपी सरकार सभी की जांच कराएगी। बीआरएस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला तो राहुल गांधी ने पलटवार में तनिक भी देरी नहीं की। उन्होंने कांग्रेस की कामयाबी गिनाई, बीजेपी की नाकामी बताई, फिर कह दिया कि मेरे ऊपर लगाए गए 24 केस किसी मेडल से कम नहीं है। मेरी छाती पर 24 मेडल लगे हुए हैं, 24 केस है, मेडल है वो। बात यही नहीं रुकी, राहुल ने तेलंगाना की लड़ाई को लेकर केसीआर और ओवैसी पर भी हमला बोला। आरोप लगाया कि तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी मोदी की मदद कर रहे हैं। इस बयान को लेकर ओवैसी ने उसी अंदाज में सियासी दुश्मनी निभाई। राहुल के दो प्यार हैं, एक इटली और एक मोदी। मोदी की सबसे बड़ी ताकत जो है राहुल गांधी है, और राहुल गांधी बेचारे अकेले हैं जिंदगी में, तो उनको ऐसे ही अल्फाज याद आते यार। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्टी जहां सत्ता में है वहां सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, जहां विपक्ष में है वहां सत्ता में लौटने की चुनौती है। लिहाजा आखिरी चरण के मतदान में तमाम पार्टियों के बड़े चेहरे भी वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इंडिया गठबंधन पर सीधे सीधे टारगेट से साफ है कि 2024 का दंगल जोरदार होगा। आज तक ब्यूरो।